हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जालेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं विषय सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट। कक्षा है चौथी, दिनांक है 30 दिसंबर। पहला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप कौन कौन से यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम किसी न किसी साधन का उपयोग जरूर करते हैं, प्रयोग जरूर कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि ट्रेन हुई, बस हुई, हवाई जहाज हुआ, ठीक है, कार हुई, मोटरसाइकिल हुई, ठीक है बच्चों। इस तरह से और भी साधन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, आप उनके नाम लिखिए। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न, सफ़र में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, हम सफ़र में कभी भी जाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें हमेशा सामान कम से कम रखना चाहिए, सामान कम से कम रखें, पानी हमेशा अपने पास रखे, और शरीर में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने के लिए खाने की चॉकलेट, मीठे बिस्कुट जरूर रखें, ठीक है बच्चों। ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मोबाइल को पूरी तरह चार्ज रखें, ठीक है बच्चों। पावर बैंक हो तो वो अपने साथ रखें, सिर्फ मोबाइल पे ही भरोसा ना रखें, क्योंकि कभी भी मोबाइल का नेटवर्क जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यात्रा में निकलने से पहले अपने बस, ट्रेन, फ्लाइट की सूचना अपने किसी जानकार को अवश्य दें, ठीक है बच्चों। ये कुछ भी, कल को आपके साथ कुछ भी हो तो उन्हें पता रहे कि वो किस बस से जा रहे हैं, किस ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। यात्रा में निकलने से पहले ही अपने बस, ट्रेन की सूचना अपने किसी जानकार को अवश्य दें, और देखिए बच्चों, यात्रा के समय बोरियत से बचने के लिए अपनी रुचि अनुसार किताब, फिल्में, गेम अपने साथ रखें, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आ गया कि सफ़र में जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चों, हमारी दूसरी वर्कशीट है कला एवं शिल्प की क्रियाकलाप, पहली नववर्ष का बधाई कार्ड बनाकर उसे सजाएं। बच्चों देखिए, आप सभी को इस पिक्चर में नववर्ष का एक कार्ड दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से आप सभी को एक कार्ड बनाना है, ठीक है। दूसरी हमारी वर्कशीट है अपने प्रिय खेल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। देखिए बच्चों, सभी का एक अलग अलग खेल होता है जो सभी को पसंद होता है। तो बच्चों, आप सभी यहाँ पे अपने पसंदीदा एक किसी भी खेल का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें।